आपसे बात करने वाला अलग आदमी है, आपको फंसाने वाला अलग आदमी है, आपको उसके बाद फोन करेगा वो अलग आदमी, वो पूरी टीम एक नेटवर्क काम कर रहा है आपको फंसाने के लिए और आप फटाफट उसमें फंस जाते हैं, किसी न किसी लालच में फंसते हैं। इसे मेरे पास एक मैसेज आया, मेरे फ्रेंड की फोटो लगा रखी व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर, डीपी लगा रखी मेरे दोस्त की, और क्योंकि मेरे पास तो नंबर सेव था तो वो मैं तो तुरंत समझ गया क्योंकि मैं रोज ऐसे डील करता हूँ, तो मैंने उससे उसका मैसेज आया, हेलो हाय भाई कैसा है, बढ़िया भाई, मैं समझ गया कि ये फ्रॉड है। मैं रिप्लाई करता है उसका, तो भाई कहाँ हो, वैसे ऐसे पोस्टिंग कहाँ है, वैसे क्वेश्चन करता रहा, मैं रिप्लाई करता रहा। तो भाई एक इमरजेंसी थी, बताओ भाई पैसे चाहिए थे 25,000 रुपये, मैं आपको कल डाल दूँगा वापस, आप मुझे इस नंबर पर पैसे डाल। हाँ भाई ठीक है, मैं ऐसा है मैं बंदा भेज रहा हूँ, बंदा भेज रहा हूँ, तो कहाँ मिलेगा पैसे देकर कैसे, उसने बताया कि वहाँ मिलेगा। तो बोला भाई ना आप बंदा मत भेजो, वो लेट हो जाएगा, आप पैसे डाल दो। मैं ठीक है मैं पैसे डाल रहा हूँ, मुझे गुरु नंबर। फिर आया भाई पैसे आए नहीं, भाई पैसे आए नहीं, मैं कहा भाई आ रहे हैं पैसे आपके पास चल के, आपको ढूंढ रहे हैं, लोकेशन आपकी आ गई है, वो एक मिनट में उसका स्विच ऑफ। ऐसे 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 ठगते हैं। तो आप ये देखें भाई, जब आपके पास मोबाइल नंबर किसी का सेव है आपके फ्रेंड का और डीपी आपके फ्रेंड के लिए गई तो दूसरे फोन से क्यों करेगा आपको, तो ये समझ जाना चाहिए आपको। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो इस प्रकार से साइबर क्राइम से हमें बचना चाहिए। हम बच सकते हैं तो अपने दिमाग से ही बच सकते हैं, नहीं तो अगले की बातों में आगे तो आप फंस गए हो, आप लगातार पैसे उसको देते रहे। तो इसके अलावा विषय बोलने पर के लिए मेरे पास बहुत हैं, लेकिन समय मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हो गया है। हमारी बहनें तो उठ के भागने लग गई थी, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक बार आपसे आपका आप हमारे एक रिक्वेस्ट पर सभी स्कूल इतने बच्चों को लेके यहाँ पर आए।